नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बात झारखंड की सियासत की करेंगे और साथ ही बिहार के उपचुनाव की भी। झारखंड में सीटों के बंटवारे के बीच सत्ताधारी खेमे में तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम के कर्ता धर्ता नेता से मिलने के लिए तेजस्वी यादव और वाम दल के नेता पहुंचे, मुलाकात हुई, बात हुई, क्या सीटों के बंटवारे पर कोई फाइनल स्थिति पर पहुंच पाए, सब आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे कि बिहार के उपचुनाव की 4 सीटों पर किस तरह की रस्सा कसी देखने को मिल रही है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले झारखंड के चुनावी गलियारे में चल रही हलचल से आपको रूबरू कराते हैं, देखिए रिपोर्ट। इंडिया ब्लॉक के सामने चुनौती है सत्ता बचाने की, लेकिन सीट बंटवारे पर अपनों में ही घमासान मचा है। जेएमएम और कांग्रेस ने अपने लिए 70 सीटें रख ली है, जिससे आरजेडी नाराज है। आरजेडी की दावेदारी 12 सीटों पर है और इसके लिए अल्टीमेटम तक दे दिया गया था। 2 दिनों में 2 बार आरजेडी सांसद मनोज झा ने जेएमएम और कांग्रेस को चुनौती देते हुए विकल्प खुले रखने का ऐलान किया। हालांकि इस बीच बातचीत भी चलती रही। कड़े तेवर दिखाने वाले आरजेडी का रुख नरम रहा। तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंचे और हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसके अलावा लेफ्ट के नेता विनोद सिंह और अरूप चटर्जी ने भी हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कि ये भाजपा 5 साल सत्ता से बाहर आकर के ये सूख रही है, बूंद बूंद इसका खून सूख रहा है। अगली बार जब हम सत्ता से इसको बाहर करेंगे तो इनका पूरा का पूरा पेट दिख जाएगा। व्यापारियों की ये जमात, ये भारतीय जनता पार्टियों की जमात नहीं है, ये गुजरातियों की जमात है, व्यापारियों की जमात है। इनको आप बोरा में भरो और गुजरात के समंदर में डाल देंगे। जो लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, भाजपा जैसे फिरका परस्त ताकतों को, तानाशाही ताकतों को झारखंड से दूर रखना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता परिपक्व हैं और सभी को गठबंधन धर्म का निर्वहन करना आता है। ठीक है, कार्यकर्ता की भावनाएं अपनी अलग जगह है। हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं भी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया। दरअसल पिछले चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट काफी कम रहा था। 2019 के महागठबंधन में 43 सीटों पर चुनाव लड़कर जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी, जबकि 31 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 16 सीट पर जीत मिली थी। वहीं आरजेडी 7 सीट पर उम्मीदवार उतार कर सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी, यानी जीत का प्रतिशत करीब 14% रहा था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, जहां हार हुई थी। इसके बावजूद आरजेडी ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रहा है। देखिए, बिना नीति सिद्धांत का अगर कोई अलायंस बनता है सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए, जनता के पैसों की लूट करने के लिए, तो ऐसी स्थितियां बार बार होती हैं। यहाँ इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि जनता के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कैसे अच्छी योजनाएं लाकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो। यहाँ चर्चा हो रही है कि कौन कितने ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगा और उसको लेकर इनका गतिरोध अभी भी जारी है। पहले चरण के नामांकन की तारीख नजदीक आ चुकी है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने ज्यादा वक्त नहीं। मुकाबला ऐसी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से है जिसने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और हाल ही में तमाम सर्वेक्षणों को गलत साबित करते हुए हरियाणा में भी परचम लहराया। ऐसे में सत्ता बचाए रखने के लिए पूरी इंडिया के लिए पूरी एकजुटता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।